हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की 9वीं हेडिंग, विलयन में आयनिक साम्यावस्था के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा, विलयन में आयनिक साम्यावस्था क्या होती है। साम्य की दिशा पर सांता परिवर्तन के प्रभाव वाले प्रसंग में आप जो हैं निम्नलिखित आयनिक संपर्क समीकरण के संपर्क में आए हैं। ठीक है, यह जो समीकरण आप देख रहे हैं इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आयरन थर्ड एक्वस प्लस एस सी एन माइनस एक्वस उत्क्रमणी एफ ई एस सी एन टू प्लस। ठीक है, इस समीकरण के बारे में चर्चा जो है हमने पिछले वीडियो में साम्य की दिशा पर सांता परिवर्तन के प्रभाव में किया है। ऐसे अनेक साम्य हैं जिनमें केवल आयन सम्मिलित होते हैं। इसमें जो है अभिकारक भी आयन के रूप में है और उत्पाद भी आयन के रूप में है। यह आप देख रहे हैं एफ ई तीन प्लस धनात्मक आयन है, एस सी एन माइनस ऋणात्मक आयन है, एफ ई एस सी एन टू प्लस यह भी आपका धनात्मक आयन है। ठीक है, तो ऐसे अनेक साम्य हैं जिनमें केवल आयन सम्मिलित होते हैं। यहाँ हम उन साम्यों का अध्ययन करेंगे जिनमें आयन शामिल होते हैं। ठीक है, यह सर्वविदित है कि चीनी के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अगर चीनी का जली विलयन है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि जल में साधारण नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड मिलाने पर विद्युत धारा प्रवाह होता है। ठीक है, जल में अगर साधारण नमक मिला दिया जाए, सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाए, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, तथा लवण की सांद्रता बढ़ाने के साथ नमक की मात्रा बढ़ाने के साथ विलयन की चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अनेक आयन जो हैं वे साम्यावस्था को स्थापित करते हैं। आयन भी साम्यावस्था को स्थापित करते हैं। यहाँ पर हम उन्हीं साम्यों का अध्ययन करेंगे जिनमें अभिकारक और उत्पाद आयन के रूप में होंगे। यह सर्वविदित है कि चीनी के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर चीनी का जली विलयन है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जबकि जल में साधारण नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड मिलाने पर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तथा लवण की सांद्रता जो है लवण की सांद्रता बढ़ने के साथ विलयन की चालकता बढ़ती है। माइकल फैराडे ने पदार्थों को उनकी विद्युत चालकता क्षमता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, माइकल फैराडे ने पदार्थों को उनकी विद्युत चालकता क्षमता के आधार पर उनकी विद्युत चालकता क्षमता के आधार पर दो वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग, एक वर्ग में एक वर्ग के पदार्थ जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इन्हें विद्युत अवघट्य कहते हैं। ठीक है, एक वर्ग में ऐसे पदार्थ रखे गए हैं जो जली विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, ये विद्युत अवघट्य कहलाते हैं। जबकि जो दूसरा वर्ग है, ठीक है, जबकि दूसरे जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें विद्युत अनवघट्य कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं विलयन में आयनिक साम्यावस्था के बारे में। साम्य की दिशा पर सांता परिवर्तन के प्रभाव वाले हेडिंग में आप निम्नलिखित आयनिक समीकरण के संपर्क में आए थे, एफ ई थ्री प्लस एक्वस प्लस एस सी एन माइनस एक्वस उत्क्रमणी एफ ई एस सी एन टू प्लस एक्वस। इसमें आप देख रहे हैं कि जो अभिकारक हैं वह भी आयन के रूप में है, जो उत्पाद हैं वह भी आयन के रूप में है। ऐसे अनेक साम्य हैं जिनमें केवल आयन सम्मिलित होते हैं। हम यहाँ पर उन साम्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यह सर्वविदित है कि चीनी के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जबकि जल में साधारण नमक मिलाने पर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तथा लवण की सांद्रता बढ़ने के साथ
विलयन की चालकता बढ़ती है। ठीक है, वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने पदार्थों को उनकी विद्युत चालकता क्षमता के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक वर्ग के पदार्थ जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के जो ऐसा नहीं करते हैं विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। फैराडे ने विद्युत अपघट्यों को, जो विद्युत अपघट्य हैं जो जली विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उनको पुनः प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में वर्गीकृत किया है। प्रबल वैद्युत अपघट्य जल में विलय होकर लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वे जल में विलय होकर लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल जो अपघट्य हैं वे आंशिक रूप से आयनित होते हैं। उदाहरण के रूप में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में मुख्य रूप से, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में मुख्य रूप से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। ठीक है, Na+ और Cl- आयन पाए जाते हैं, जबकि एसिटिक अम्ल में एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन होते हैं। एसिटिक अम्ल में एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन होते हैं। इसका कारण यह है कि सोडियम क्लोराइड का लगभग 100% आयनन हो जाता है, NaCl का 100% आयनन हो जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, 5% ही आयनित होता है। ठीक है, यह ध्यान रहे कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में आयनों तथा अनायनित अणुओं के मध्य साम्य स्थापित होता है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों में आयनों और अनायनित अणुओं के मध्य साम्य स्थापित होता है। इस प्रकार का साम्य जिसमें जली विलयन में आयन पाए जाते हैं आयनिक साम्य कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार का साम्य जिसमें जली विलयन में आयन पाए जाते हैं आयनिक साम्य कहलाता है। अम्ल, क्षारक तथा लवण वैद्युत अपघट्यों के वर्ग में आते हैं। वैद्युत अपघट्य में कौन कौन आते हैं, तो अम्ल, क्षारक तथा लवण जो हैं वैद्युत अपघट्यों के वर्ग में आते हैं। ये प्रबल अथवा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये अम्ल, क्षारक और लवण जो हैं वे प्रबल अथवा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका विलयन में आयनिक साम्यावस्था के बारे में। आइए देखते हैं माइकल फैराडे ने अपना क्या योगदान दिया है इसके बारे में। फैराडे का जन्म लंदन के पास एक सीमित साधन वाले परिवार में हुआ था। ठीक है, माइकल फैराडे, इनका जन्म जो है लंदन में हुआ था, एक सीमित साधन वाले परिवार में हुआ था। 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में वह एक दयालु जिल्दसाज, ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में वे, देखें ध्यान से, फैराडे का जन्म लंदन के पास एक सीमित साधन वाले परिवार में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में वह एक दयालु जिल्दसाज अर्थात बुक बाइंडर के यहाँ काम सीखने लगे। ठीक है, दयालु जिल्दसाज था, बुक बाइंडर था, उसके यहाँ फैराडे जो हैं काम सीखने लगे बुक बाइंडिंग का। उसने उन्हें उन किताबों को पढ़ने की छूट दे दी थी जिनकी जिल्द वह बांधता था। ठीक है, भाग्यवश डेवी, वह डेवी का प्रयोगशाला सहायक बन गए तथा सन 1813-14 में फैराडे उनके साथ महाद्वीप की यात्रा पर चले गए। उस यात्रा के दौरान वे उस समय के कई अग्रणी वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और उनके अनुभव से बहुत सीखा।
सन 1825 में डेवी के बाद वे रॉयल संस्थान प्रयोगशालाओं के निदेशक बने। सन 1833 में वे रसायन शास्त्र के प्रथम फुलेरियन आचार्य बने। फैराडे का पहला महत्वपूर्ण कार्य विश्लेषण रसायन में था। सन 1821 के बाद उनका अधिकतर कार्य विद्युत और चुंबकत्व तथा अन्य वैद्युत चुंबकत्व सिद्धांतों से संबंधित था। उन्हीं के विचारों के आधार पर आधुनिक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। सन 1834 में उन्हें विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियमों की खोज की। फैराडे एक बहुत ही अच्छे और दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने सभी सम्मानों को लेने से इनकार कर दिया। वे सभी वैज्ञानिक विवादों से दूर रहे। वे हमेशा अकेले काम करना पसंद करते थे। उन्होंने कभी भी सहायक नहीं रखा। उन्होंने विज्ञान को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रसारित किया, जिसमें उनके द्वारा रॉयल संस्थान में प्रारंभ की गई प्रत्येक शुक्रवार की शाम की भाषण माला सम्मिलित है। मोमबत्ती के रसायन इतिहास विषय पर उन्होंने क्रिसमस व्याख्यान के लिए प्रख्यात थे। उन्होंने लगभग 450 वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। थैंक यू।